गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लेक्चर नंबर 13, वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th, सब्जेक्ट फिजिक्स. टुडे आवर टॉपिक इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मोशन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, व्हेन बॉडी कब रेस्ट में होगी, बॉडी कब मोशन में होगी, कब रिलेटिव मोशन होगा उसका. आज हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मोशन पढ़ा है हमने, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते थे ऐसे मोशन को हर इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी जो है सेम हो. अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जा रहा है सेम वेलोसिटी के साथ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरह से, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है सेम रही, वहाँ बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. हम डील करेंगे आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसमें क्या होता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट motion of an object the velocity of an object of an object is different at different instant of time, at different instant. एक टाइम पे एक वेलोसिटी होगी, दूसरे टाइम पे दूसरी वेलोसिटी होगी. विद इन टाइम जो है वेलोसिटी उसकी, दैट इज वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग. वेलोसिटी जो है चेंज होती रहेगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विद टाइम. अब इसमें जो है टू टाइप्स के मोशन आते हैं. नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ते हैं. नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम बोलते थे जब चेंज इन वेलोसिटी जो होगी हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. जब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट. जब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है कॉन्स्टेंट होगी उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट नहीं होगी, सेम नहीं होगी, वेरिएबल होगी, मतलब डिफरेंट होगी, वेरिएबल होगी, तो उसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहेंगे और वेरिएबल एक्सेलरेशन. जब चेंज, बस इतना याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट चेंज ना हो उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन. और उसी मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे. एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जिसमें चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट रहेगी. अ
वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्म, फर्क ये है इसमें चेंज इन वेलोसिटी का। चेंज इन वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चेंज इन वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी, चेंज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो चेंज होगी वेलोसिटी का जो चेंज होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से अगर ये मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वेलोसिटी जो वी यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चेंज इन वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और जब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तब कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इससे पहले आपने वेलोसिटी पढ़ा है, वेलोसिटी आपने पढ़ा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इस तरह से भी आप लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड हो बट देयर विल बी नो डायरेक्शन। स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स का बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज ए, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होगा, इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन बी पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी इज, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव कब होगा एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगी तो एक्सेलरेशन जो है होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव ऑफ एन एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज Known as retardation. Retardation, ठीक है। अब acceleration जो है आपने पढ़ा, acceleration जो है vector quantity है। Vector quantity से क्या मतलब हुआ कि उसका magnitude भी होगा और direction भी होगा। Direction acceleration positive भी होगा, negative भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।
किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव रहेगा, और जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चल रही होती है स्मूथ चल रही होती है, वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा। जब आप ब्रेक पे पैर रखते हो या ब्रेक मारते हो उससे क्या होगा कि वेलोसिटी जो है डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से वहाँ कुछ डिस्टेंस तक गाड़ी चली, जब आपने डीएक्सेलरेट किया उसको नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कम हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपने कहा उसको नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो है ये रिटार्डेशन होता है या डीएक्सेलरेशन होता है, और इसी को आप यही ब्रेक भी होती है। जब ब्रेक अप्लाई करोगे आप तो वेलोसिटी जो है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा तो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई होगी, और फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई होती है गाड़ी आपके रुक जाती है। सेकंड लॉ में पढ़ा था आपने नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है फोर्स भी नेगेटिव होगी, डी एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है, आप मतलब जो वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है फोर्स आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, जब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो की बात है कुछ इंस्टेंट चलने के बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। एसआई यूनिट इसका, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या पढ़ा था आपने इस तरह से, ये है वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का होता था मीटर पर यूनिट, टाइम का होता था सेकंड, मीटर इनवर्स ऑन यह वेलोसिटी का था। अब यहाँ पे सेम है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इनवर्स वन और टाइम सेकंड, ये भी वन है, ये जब न्यूमिनेटर में जाएगा इस तरह से आप लिख सकते हो यूनिट, इस तरह से भी लिख सकते हो एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं कुछ कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सेलरेट कैसे कैसे, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, वेरिएबल कब होता है, एक्सेलरेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब हम कहेंगे, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वगैरह वगैरह। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ चेंज इन वेलोसिटी velocity changes by equal amount, amount in equal interval of time, interval of time। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन इफ
change in velocity or velocity change by equal amount in equal interval of time. जो velocity change होगी at some instant of time या at unit instant of time जो equal रहेगी in equal interval of time. अगर यहाँ object यहाँ से यहाँ है, यहाँ पे है object, suppose x axis में direction में object जा रहा है यहाँ से यहाँ, अगर 1 meter है और 1 second में यहाँ से यहाँ travel करता है, और यहाँ से भी ये ऑब्जेक्ट 1 second में ही 1 second में यहाँ से यहाँ 1 meter, अगला 1 meter 1 second में करेगा, उससे अगला मीटर 1 second में, इसी तरह से कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी हो, कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, अब कांस्टेंट जो चेंज इन वेलोसिटी होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये देखो यहाँ से यहाँ 1 meter में जाएगा 1 second, 1 second में 1 meter जाएगा, अगला 1 meter 1 second में जाएगा, इसी तरह से अगला 1 meter 1 second में जाएगा, इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी. वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऐसी बॉडी को is said to be in variable acceleration if velocity change by unequal amount, unequal amount in unequal interval of, unequal interval of time. अब वेरिएबल हम कहती है ऐसी चीज को है जो चेंज हो, अब इसका चेंज जो होगा अनइक्वल अमाउंट में होगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर ये 1 meter यहाँ से यहाँ 1 second में करता है, हो सकता है यहाँ 2 minute में करेगा, या यहाँ 3 second में करेगा, यहाँ या 1 second में दोबारा से करेगा, वेरिएट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी. बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म इन वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ चेंज इन वेलोसिटी इफ या इफ वेलोसिटी चेंज अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन. अब है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ये होता क्या है, ये होगा, इट इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन इन ऑब्जेक्ट, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन टू द टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन एवरेज या एवरेज एक्सेलरेशन. टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन.
लेखन, ठीक है। या अब एक और है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ओरिजिन से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब एक्सेलरेशन हम पढ़े इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम बोलते हैं ये ऐसा एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे सपोज किसी भी पॉइंट इंटरवल ऑफ टाइम जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये देखो जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट होगी एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम या डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी अगर मतलब सपोज माना यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हुई, इसी तरह से डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब कोई भी इंस्टेंट लिया, हमने सपोज ये लिया यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब इस पॉइंट पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is known as instantaneous acceleration. Acceleration at any instant of time या any point of time is known as instantaneous acceleration. इस तरह से हम लिखते हैं इसको, rate of change of velocity with respect to time, ये acceleration. वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सब्स्टिट्यूट एक्सेलरेशन डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने डी एक्स अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ठीक है। यूनिट हमने लिखा था एक्सेलरेशन का मीटर, ए की डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, वही एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। अब इसको आप एक्सेलरेशन को ये भी कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम ऑफ पोजिशन, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपने इस क्लास में पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, उसमें आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड पढ़ा, वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ा, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, तीन जो है फेमस इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स की, उसमें पूरा काइनेमेटिक्स ही उन इक्वेशंस पे डिपेंडेंट है, हम वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।